मैडम सर जय मैडम जय मैडम सर सैफ अली खान जी आए हैं कह रहे हैं कि आपकी अम्मी भेजी है उनको आपसे मिलने के लिए हाँ सैफ जी हाँ माइसेल्फ सेफू जितना सुना था वैसा पाया नाम जैसी हसीन है आप रिश्ता मंजूर है नॉट बैड बैठ जाओ मीठी टिकाइए टिकाइए ये बाबा ये बाबा बिखर जाइएगा तुरंत बैठिए सैफू बाबा आराम से मैडम सर आपकी अम्मी आपकी शादी के लिए इतनी उतावली हो गई है कि खेत का आखिरी कीड़े लगा हुआ फफूंदी लगा हुआ अब मैसा ले रहा था गन्ना भी चलेगा उनको आपके लिए जिसमें ना रस बचा है ना जीने के लिए सांस नॉट बैड एक बात समझ में नहीं आई वो आपने अपनी पिक्स के साथ अमर नाम के पुलिस ऑफिसर का वीडियो क्यों भेजा क्या अगर आपका इशारा बॉडी वॉडी मसल वसल की तरफ है तो वे कौन मसला नहीं है हफ्ते भर में बना लेंगे मैडम सर हफ्ते भर में बना लेंगे अमर विद्रोही का वीडियो अम्मी ने गलती से वो वीडियो अम्मी ने आपको भेज दिया नॉट बैड अब आपको कैसा लग रहा कि हमने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी है नहीं शर्माइए नहीं आप तो खुशी के साथ नाच सकती हैं किस्मत खुल गई आपकी मुझ जैसा चार्मिंग हैंडसम लड़का आपको अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो गया है चिचा आप इंसान है कि हड़प्पा ही खुदाई में निकले हैं चलिए हो गया आपका उठिए हमने सुना उठिए जी बिल्कुल सही सुना सर आप प्लीज उठिए आपने अपनी हालत देखिए Not bad. Very bad, sir. झूलता खंडर कांपती मीनार वजूद के नाम पर लकीर हाँ लहराता धान उजड़ा मकान सूखा छुआरा अनाज का मारा चलिए चचा हो गया आपका बहुत ज्यादा चलिए मुंह में दांत नहीं है पेट में आंत नहीं और आप मैडम सर से शादी करेंगे आइए चचा आर यू श्योर अरे वेरी श्योर चचा यकीन मानिए आपके जिंदगी का आखिरी किस्त है इसके बाद तुरंत फारिग हो जाइएगा आइए छोड़कर आते हैं आप अरे हो गया बस बस आइए आइए चचा आइए आइए पता लगाइए सैफू के बारे में वीडियो के बारे में नॉट बैड आपका रिश्ता करें या खुदा शायद इसीलिए कहते हैं कवर देखकर किताब के कंटेंट का आइडिया नहीं लगाना चाहिए आपके मामले में वही गलती कर बैठा मैं हसीना जी मिले हम जिन भी हालात में हूँ आपसे मिलकर खुशी बहुत हुई थी सोचा था कल को सिचुएशन जो भी होगी आपसे थोड़ी सी डिसेंसी की उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ लेकिन नहीं आपने जो ओछी हरकत करी है ना मेरी पर्सनल चीज़ों को ऐसे वायरल करके आपने पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव कर दिया है मुझे अपने आप को लेके देखिए मिस्टर अमर तो मेरी पीठ पीछे किस नाम से चिढ़ाया जाता है मुझे फट्टू दब्बू या डायरेक्ट छोटू ये गलती हमने नहीं की कुछ गलतियों के एक्सक्यूज नहीं होते हसीना मलिक तकलीफ होती है और घाव देने से ज्यादा बेरहम घाव को कुरेदने वाले होते हैं और जो आपने ये हरकत करी है ना मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बाद आपकी इज्जत कर पाऊंगा सीधी लड़ाई छेड़ी है ना आपने तो वैसे ही सही नाउ गेट रेडी टू फाइट एन ओपन वॉर खुशी का बात है क्या हो गया हमारा श्राप सच निकल गया क्या क्या मतलब श्राप हाँ मतलब ये पगलेटे की तरह हरकतें कर रही हैं आप क्या हुआ हाँ कोई हरकत नहीं कर रहे हैं हम पुष्पा जी क्या बात कर रही हैं आप और आपका श्राप मिसफायर हो गया है हमें पता चला कि पूजा के पिताजी ने केस वापस दे दिया मैडम सर को मगर धीरे धीरे हमारे दुश्मन अमर सर है ना वो सुन लेंगे अमा होंगे तो सुनेंगे ना
जूस सेंटर में हमारा वेट कर रहे हैं, हमें वहीं बुलाया, लेकिन हम खुशी के मारे हमसे रहा नहीं गया तो हम सबसे पहले यहाँ आ गए। नहीं नहीं मगर वो है ना वो उनके चेला चपाटे। तुम बोलोगे बोलोगे कुछ अमर जी को। सर कब तक यूं ही टहलते रहेंगे, शांत हो जाइए ना। अरे दीवान जी हम शांत ही हैं, कुछ सोच रहे हैं। अच्छा वैसे आपको याद दिला दे कि वहां जूस सेंटर पर करिश्मा मैडम आपका इंतजार कर रही है। अरे हमारे दिमाग से निकल गया, आइए चलिए आइए। फिर से केस हमारे पास आ गया। सेलिब्रेशन तो बनता है। जय हिंद सर। कोई मुझे बताएगा ये मुजरिम लॉकअप के बाहर क्या कर रहा है? ये मुजरिम नहीं है सर, ये बिल्ला है और ये यहीं थाने में ही रहता है। दीवान जी। यस सर। क्या कहती है आपकी छानबीन? यही कि इसने जानबूझ के अपनी गलत कंप्लेन लिखाई है ताकि ये जेल के अंदर घुस सके और मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। हाँ तो देख के रहिए इसे, बाहर निकालिए इसे और उस औरत को बुलाइए जिसने झूठी कंप्लेन लिखाई थी। ओके सर। और उस औरत को लेके आइए। चलिए करिश्मा सिंह। जी सर। बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप, डांस कर रही हैं थाने में, वो भी वर्दी में, क्या बात है। माने थाना न हुआ कोई मोहल्ले का सार्वजनिक चौक हो गया। हुँ? ना किसी सीनियर का डर, ना कोई डिसिप्लिन। करिश्मा सिंह आपने वीडियो वायरल की थी या इस कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ रिपोर्ट किया? सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीवान जी। यस सर। हमने करिश्मा सिंह को फील्ड इन्वेस्टिगेशन पर भेजा था क्योंकि ये केस हम हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें यानी कि अपने सीनियर को इसकी हर डिटेल बताएंगे और आप इसके नोट्स बनाएंगे। जी सर। तो बताइए करिश्मा सिंह, शुरू हो जाइए, हम सुन रहे हैं। हम भी सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूजा और उसके पिताजी ने ये केस हमें भी सौंपा है, तो करिश्मा सिंह जो भी रिपोर्ट देंगी हमें भी देंगी। जी देखिए ये मामला जितना सरल और सीधा सुनाई और दिखाई पड़ रहा है उतना सीधा और सरल है नहीं ना। मतलब पूजा का ये आरोप है कि रुक्मणी ने उसे मारने के इरादे से तीर चलाया था। अब रुक्मणी ने ऐसा काहे किया था उस उद्देश्य पे हम वापस आएंगे बाद में, पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जितना भी आरोप पूजा ने रुक्मणी पर लगाया है रुक्मणी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। उसका ये कहना है कि वो ओलंपिक्स के फाइनल सिलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले ऐसा कांड काहे करेगी, वो वर्षों से इसके लिए मेहनत कर रही है, उस मेहनत पे पानी पानी कैसे कर देगी। और इस बात से मैडम सर और सर हम इस बात से सहमत है, उसके इस कथन से हम इत्तेफाक रखते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैडम सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा है ना। मतलब ओलंपिक्स के फाइनल सिलेक्शन से 3 दिन पहले ये सारा बवंडर हुआ है, आपको नहीं लगता है कि इसका लेना देना जितने भी खिलाड़ी है उनके सिलेक्शन से है ना? मतलब ये संजोग का बात है कि जैसे ही रुक्मणी वो बुल आई का तीर मारने ही वाली थी उस वक्त लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद सब ये मान लेते हैं कि रुक्मणी ने जो है ये जानबूझ के तीर मारा है जो पूजा के हाथ पे जाके लगा है ना। मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है जिसकी खुशबू आ रही है? रुक्मणी जो है ना मैडम सर और सर वो एक बहुत ही पिछड़े परिवार से यहाँ आई है और वो भी सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। अब जिसका कोई बैक नहीं होता, जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता, वो लड़की अगर ये मेडल जीत जाए तो फिर उसके आसपास वाले लोग तो उसे जलेंगे ना, ये तो बहुत ही, ये तो सभी जानते हैं। संतु हमने तुम्हें एक फुटेज फॉरवर्ड किया है, वो मैडम सर और सर को दिखाई। ये फुटेज है, वेल डन एसआई करिश्मा सिंह, बहुत ही अच्छे से छानबीन किया आपने। इसका मतलब सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। 3 दिनों में हमें पता लगाना होगा कि रुक्मणी बेगुनाह है या नहीं, अगर है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, उसका हुनर पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए।
गीता चतुर्वेदी, पुष्पा जी और करिश्मा सिंह आप हमारे साथ चलेंगे। चलिए, करिश्मा सिंह इस केस पर हमारे साथ रहेंगे। करिश्मा सिंह हमारे साथ जाएंगे, हम ऑर्डर दे चुके हैं। हम भी सीनियर हैं इसलिए ऑर्डर दे रहे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। करिश्मा सिंह आप हमारे साथ चलेंगी, दैट्स एन ऑर्डर। करिश्मा सिंह आप कहीं नहीं जा रही, इट्स एन ऑर्डर। सर सर सर, हम क्या कह रहे हैं, छोटा मुंह और उससे भी छोटी बात, क्यों ना हम सिक्का उछाल कर इस बात का फैसला करें। चिताई तो आपके साथ, पटाई तो मैडम सर के साथ, नहीं तो अंटा मेरे बाप का। किसके बाप का? नहीं नहीं, मतलब ऐसा मुहावरा है ना, चिति भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हमें मंजूर है। हाँ ठीक है, लीजिए पैसा लीजिए। हाँ सिक्का हमारे पास नहीं है। देखिए सर, कहाँ फेंक दी? हमने तो पकड़ के रखा था सिक्का। हेड्स, चलिए रुक्मणी, प्लीज प्लीज तुम रोना बंद करो पहले। जी पुष्पा जी, आप वहीं रहिए, हम आते हैं अभी, ठीक है? रुक्मणी, हम पुलिस वाले हैं, हम मुजरिम और निर्दोष के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम निर्दोष हो ये बात हम जानते हैं, हमें यकीन है तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए प्लीज रिलैक्स, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा संघर्ष जाया बिल्कुल नहीं जाएगा। और तुम पूजा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि तुम बेवजह शक कर रही थी उस पे। उसमें उसका कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। सॉरी यार, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो मैंने तुम पर और अंकुर पर शक किया। अब सब कुछ जानने के बाद मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम दोनों ही किसी और कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैडम सर, आपको क्या लगता है सबके पीछे कौन है? हम फेडरेशन के चेयरमैन और आप लोगों के कोच से मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलेंगे वो? अगर लोगों का दावा सच है कि रुक्मणी का निशाना चूक है दीवान जी, तो फिर वो उस टाइम भी नहीं चूका होगा जब तीर पूजा को लगा। इस बात के दो ही मतलब निकलते हैं दीवान जी। हादसे के वक्त वहां पे दो तीर चलाए गए, एक तीर जो पूजा को लगा था और दूसरा तीर जो रुक्मणी ने चलाया था। अब सवाल ये है दीवान जी कि जो तीर रुक्मणी ने चलाया वो कहां गया, क्योंकि सीसीटीवी की लाइट आने के बाद बुलाई में कोई भी तीर नजर नहीं आ रहा है। तो तीर गया तो गया कहां दीवान जी, बुलाई के आर पार चला गया क्या? लगता नहीं है सर, क्योंकि जब मैंने टारगेट बोर्ड को चेक किया तो पता लगा कि वो बहुत हार्ड मटेरियल का है, तो सर तीर का उसके आर पार चले जाना मुश्किल है सर। दीवान जी, हमलावर को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि तीर बुलाई के आर पार चला गया होगा और उसे बिना होल की आई से रिप्लेस कर दिया होगा, लेकिन सवाल अब भी वही है कि उस बुलाई को रिप्लेस करने में और उस तीर को सारे लोगों की नजरों से बचाकर गायब कर देने का टाइम था क्या हमलावर के पास? चलिए दीवान जी, देखते हैं। दीवान जी, अगर रुक्मणी ने तीर चलाया तो यहां तक तो पहुंचा ही होगा, और अगर यहां तक पहुंचा है तो गया कहां, किसी ने तो देखा ही होगा। एक काम करिए, रुक्मणी को बुलाइए और टारगेट बोर्ड के बुलजाई में होल करवाइए। जी सर। चाहिए देखिए, एक खिलाड़ी पे जानलेवा हमला हुआ है। फेडरेशन इस घटना की कड़ी निंदा करती है और इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुकी है। रुक्मणी का अभ्यास रुकवा दिया गया है और एक जांच कमेटी बैठा दी गई है। अगर रुक्मणी पे आरोप सिद्ध हुआ तो उसे आजीवन बैन कर दिया जाएगा। मतलब रुक्मणी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, जी तोड़ के मेहनत करती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपको लगता है यहाँ तक पहुँचने के बाद वो थोड़ा भी चूक करेगी और अपने ही हाथों से हत्या कर देगी अपने अपने सुनहरे जीवन का, अपने सुनहरे भविष्य का या अपने सपनों का? यही तो समस्या है मैडम, कितनी मेहनती, कितना संघर्ष कर ले, कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो,
लेकिन जब सब कुछ पाने का समय आता है तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गंवा लेती हूँ। अरे इतिहास गवाह है मैडम, 90% प्रतिभाशाली लड़कियाँ करियर के उस मकाम पे शादी करके गुमनाम हो गई जहाँ पे वो अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकती थी। कोई लव वव का एंगल नहीं है रुक्मणी के चक्कर में। और जो भी आपने बकवास किया ना, उसका जीता जागता एग्जाम्पल हम है आपके सामने। हम SI करिश्मा सिंह है, SI शादी के बाद बने हैं और शादी के बाद भी अपना ड्यूटी और अपना परिवार दोनों निष्ठा से निभाते हैं। कोई गुमनाम नहीं हुए, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। समझ रहे आप हमारी बात को? मैडम हम तो समझ रहे हैं, पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एरो है ना, इस पे 3 तरह के फेदर्स लगे हुए हैं, 2 येलो और 1 रेड, और इस तरह से हर तीर को एक अलग आइडेंटिटी दी जाती है। और ये वही तीर है जो फेडरेशन की तरफ से रुक्मिणी को अभ्यास के लिए दिया हुआ था। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं ये तीर रुक्मिणी ने पूजा के ऊपर नहीं चलाया? बल्कि सच तो ये है कि रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि पूजा जैसी टफ कंपटीटर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, इसीलिए उसने सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। दीवान जी हट जाइए, ये लो। उस दिन यहीं खड़ी थी तुम? नहीं सर, थोड़ा वहां खड़ी थी। पोजीशन लो। ठीक उसी शिद्दत और कंसंट्रेशन के साथ तीर चलाना जैसे उस दिन चलाया था। ये देखिए, ये पिछले 5 सालों का ट्रैप रिकॉर्ड है। पिछले 5 सालों से दोनों का नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, कोई भी किसी से रत्ती भर कम नहीं है। ऐसे में जेलसी तो होगी ही ना। अब आप ही बताइए कि जेलसी एक दूसरे से क्या नहीं करवा देती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये तो यहां छेद किया गया था, और जो तीर रुक्मिणी ने चलाया था ना वो डायरेक्ट इस छेद के बाहर गया, और उसके बाद उस हमलावर ने बड़ी चालाकी से सबकी नजरों से बचकर इस होल को बंद कर दिया, और उस चले हुए तीर का राज हमेशा हमेशा के लिए सीमेंट के अंदर दबके रह गया। दीवान जी। जी सर। ये टारगेट बोर्ड बनाने वाला यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स, सबसे मेरी बात करवा, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी सर। अरे क्या हुआ? सर आज का दिन भी गया, कल सिलेक्शन का लास्ट डे है, और अगर कल भी असली हमलावर पकड़ा नहीं जाता है तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। तुम ओलंपिक जरूर जाओगी, कम से कम इस केस की वजह से तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। संतु और कितना समय है? आ रही हूँ। जल्दी आओ, कब से मैडम सर तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ। आ गई। मैडम सर, ये इलेक्ट्रिक रूम से पाए गए सारे फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट हैं, और सरप्राइजिंगली वहाँ मौजूद लोगों में से किसी से मैच नहीं हुआ है। क्या? मैडम सर, करिश्मा मैडम ने जहाँ तक दिखाया था उसके पहले का सारा CCTV फुटेज है। लगा। एकदम जान पर खेल कर निकाले हैं मैडम सर। जीते। एक मिनट, थोड़ा पीछे जाकर। और ये वीडियो जूम किया, अब ध्यान से देखो। ये किसी ने गौर से देखा? नहीं मैडम सर, हमारे लिए बहुत दूर है ये।
पूजा का कोच जानबूझकर पूजा की पोजीशन बार बार शिफ्ट कर रहा है। जी मैडम सर, वो भी देखे ना थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, जैसे कि परफेक्ट पोजीशन के लिए फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है कि जो हमलावर है वो फोन पर है और कोच को बता रहा है कि पूजा को कब कहाँ कैसे खड़ा होना है? नहीं हो सकता, इस फानी दुनिया में मैडम सर कुछ भी हो सकता है। तो बस फिर हमें हमारा प्राइम सस्पेक्ट मिल गया है। प्राइम सस्पेक्ट मैडम सर, यही गुनहगार है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जानबूझकर पूजा को वहीं खड़ा कर रहा है ताकि तीर जो है सटीक जाके उसको लगे। मतलब केस सॉल्व कर दिया हमने। एक और केस सॉल्व हो गया। दुश्मन खेमे को नहीं बताना है कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। आराम से। डीएसपी सर को अब हम बहुत जल्द ही साबित कर देंगे कि यहाँ महिला थाना ही होना चाहिए।